स्टूडेंट्स नोटबुक लेके बैठ जाएं। आज हम लोगों का लास्ट वीडियो चलेगा इन ऑन दिस चैप्टर पीरियोडिक टेबल। और आज के जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स ऑल्दो बहुत इररिलेवेंट लगते हैं, लेकिन इन फ्यूचर चैप्टर्स इनका बेसिक नॉलेज इज वेरी मच नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट या अंडरस्टैंड द चैप्टर। जैसे कि एसिड बेसिस में हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, जब हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ेंगे, जब हम इन द एंड में स्टडी ऑफ कॉम्पाउंड्स करेंगे, तो वहां पर ये बेसिक नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो गियर अप, वी विल डू इट इन अ वेरी सिंपल वे। आपको जितना लिखा है मिनिमम उतना ही याद रखना है, उससे ज्यादा याद नहीं रखना है। इट्स ओनली द कॉन्सेप्ट दैट नीड्स टू बी केप्ट इन प्लेस। तो देखो पहला क्या आपको हेडिंग लगा हुआ है बेटा, द फर्स्ट हेडिंग इज मेटालिक कैरेक्टर। वी हैव स्टडीड अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी, एटमिक रेडियाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इन सारे ट्रेंड्स को हमने देख लिया है। अब हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ मेटालिक कैरेक्टर्स एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स, एंड फाइनली व्हाट इज द केमिकल रिएक्टिविटी सीक्वेंस इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल। सो मेटालिक कैरेक्टर में फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क योरसेल्फ, व्हाट इज अ मेटल। तो मेटल का आंसर क्या है? आप जानते हो सोडियम पोटेशियम, इसको आप आसानी से बोलते हो कि दीज आर मेटल्स बिकॉज दे वॉन्ट टू बिकम कटायंस। मेटल को हम मेटल क्यों कहते हैं? अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ से देखेंगे तो हम बोलेंगे मेटल वो चीज है जो शाइन करती है, जो सॉलिड फॉर्म में होती है, जो लस्ट्रस होती है, जो मैलिएबल होती है, जो डक्टाइल होती है, एंड सो ऑन। सो दीज आर व्हाट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जो कि लोअर क्लासेस में आपको पढ़ाते आया गया है। अब आप क्या जानते हो? मेटल वो है जो एक कटायन बनना चाहता है, जैसे सोडियम। सोडियम व्हेन इट चेंजेस टू एन ए प्लस it is stable. So we can see here I have written the electronic configuration of sodium 281. If sodium loses this one electron in the outermost shell, in the valence shell, तो क्या होगा? उसकी electronic configuration हो जाएगी nearest noble gas के इतने, which is 28. So sodium is very happy to lose this one electron. So we say that sodium is a metal because it has a tendency to lose electron. Metals are also called as इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। मेटल्स को हम और क्या बोलते हैं? वी कॉल मेटल्स एज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। आई होप ये तुम लोगों को पहले से ही पता है, नहीं पता है तो लिख लीजिए, बिकॉज उनको पॉजिटिव होने की टेंडेंसी है। इनकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वैल्यू इज वेरी वेरी लो, सो वी से दैट दे आर नॉट इलेक्ट्रो नेगेटिव, इंस्टेड दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। ओके, सिमिलरली आई हैव गिवन यू द इक्वेशन फॉर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को भी हम जानते हैं मेटल है, ग्रुप टू का मेटल है। मैग्नीशियम इज अ वाइट शाइनी मेटल। दिस मेटल हैज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 282। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बच्चों अगर याद हो तो 12 होता है, 12। सो ब्रेक इट अप इनटू 282 एंड व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? यू आर गोइंग टू गेट मैग्नीशियम कटायन बीइंग फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। इन दैट केस हमारा मैग्नीशियम नोबल गैस कंफिगरेशन को पाता है 2-8, सो मैग्नीशियम वॉन्ट्स टू बिकम Ng2+, इन टर्न इट इज गिविंग आउट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक मेटल इज गिविंग आउट इलेक्ट्रॉन्स, एंड एनी सब्सटेंस दैट गिव्स आउट इलेक्ट्रॉन्स इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो दूसरी पॉइंट जो तुम लोग यहां पर नोट करोगे वो क्या है कि मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। व्हाट आर मेटल्स? दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ओके, दे गिव इलेक्ट्रॉन्स टू अदर एलिमेंट्स, सो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन का बेसिकली क्या डेफिनेशन है? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेटर ऑन हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और तुम लोग पढ़े भी होगे 9th में व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन। When an element is gaining electrons, हम बोलते हैं it has got reduced. तो अगर कोई other substance is giving this electron, we will call it as a reducing agent. और वो कौन होते हैं usually? वो metals होते हैं. Metals are very good reducing agents. They give electrons. Okay, so metals क्या है? वो elements which have a tendency to lose their valence shell electrons and become positive ions. They are electro, so in turn we can call them that they are electro positive elements, and secondly they are very good reducing agents. Acha, metallic character, koi bhi element ka metallic character is definitely going to be decided by its position in the periodic table. And what are the two factors again that are going to dictate?
यहाँ पर भी दो चीजों ही क्यों सिर्फ याद करना है, वॉट आर द फैक्टर्स ऑन विच मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड्स। यहाँ नीचे देखो, इफ द एटमिक साइज इज लार्ज देन हमारा एलिमेंट मोस्टली मेटालिक होगा। इफ द साइज ऑफ द एटम इज बिग, इट मीन्स द न्यूक्लियस इज अवे फ्रॉम द वैलेंस शेल, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर जा सकता है, न्यूक्लियस उसको ज्यादा जोर से पुल नहीं किया हुआ है। तो इफ द एटमिक साइज इज बिग, फर्स्ट कैरेक्टर हो गया, तो एलिमेंट का पॉसिबिलिटी है कि वो मेटल हो जाए। दूसरा, वो न्यूक्लियर चार्ज, जो अगर न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में जो उसकी पॉजिटिविटी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो अगर कम है, न्यूक्लियर चार्ज कम है, देन ऑल्सो द एलिमेंट इज मोस्टली गोइंग टू बी अ मेटल। तो अगर ये दोनों चीजें साथ साथ चलें, जैसे कि साइज भी बड़ी हो और न्यूक्लियर चार्ज भी बहुत ज्यादा ना हो, तो दैट सब्सटेंस विल बी वेरी वेरी मेटालिक। ओके, यहाँ देखो, यहाँ मैंने एक्चुअल आई हैव टेकन द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड। ध्यान से देखो, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, फॉस्फरस, सल्फर एंड क्लोरीन। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट इज हैपनिंग हियर किड्स, यहाँ देखो, ये तो तुम्हारा पीरियड है, थर्ड पीरियड है। थर्ड पीरियड में जैसे तुम सोडियम से क्लोरीन की तरफ बढ़ रहे हो, क्या हो रही है, साइज हो रही है छोटी, साइज इज गेटिंग स्मॉलर। सो व्हाट आर यू सीइंग, मेटालिक कैरेक्टर इज डिक्रीजिंग। वी ऑल नो क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, वी ऑल नो सल्फर इज अ नॉन मेटल, हाँ, फ्रॉम लोअर क्लासेस यू हैव बीन टॉट। नाउ यू कैन एनालाइज दैट फैक्ट कि क्यों भाई क्लोरीन और सल्फर एक नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है। इसकी साइज इतनी छोटी है कि इट इज नॉट एबल टू गिव आउट इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखता है। एंड ऑन दी अदर हैंड, सोडियम एंड मैग्नीशियम, इनकी साइज बड़ी है पीरियड में, इट हैज द बिगेस्ट साइज इन द पीरियड, एंड दे विल इजिली लूज इलेक्ट्रॉन्स। सो वी फाइंड दैट द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स और द गुड मेटल्स आर टूवर्ड्स द स्टार्टिंग ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन अ पीरियड। एंड जैसे जैसे हम नोबल गैसेस की तरफ बढ़ते हैं, ग्रुप 18 की तरफ बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमें नॉन मेटल्स मिल रहे हैं। सो दिस इज योर मेटालिक कैरेक्टर, इट इज गोइंग टू डिक्रीज अलॉन्ग अ पीरियड। और उसका बेसिकली रीजन मैंने यहाँ लिख दिया है, दो ही लाइन आपको लिखना है बेटा, अक्रॉस अ पीरियड न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस एज एटमिक नंबर इंक्रीजेस एंड एटमिक साइज डिक्रीजेस, दस द एलिमेंट्स कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स इजिली इन अ पीरियड। एज यू मूव अलॉन्ग अ पीरियड, एलिमेंट्स विल नॉट बी एबल टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इजिली। आई होप ये बात समझ में आ गई, क्या बोलने की कोशिश की जा रही है कि जैसे जैसे तुम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे, तुम्हारे पास जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं उनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा हुआ है और एटमिक साइज छोटी हो गई है। तो टू मेक इट बिहेव एज अ मेटल, क्या करना है, तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन बाहर खींचना है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर पुल से इलेक्ट्रॉन को खींचना बाहर इज डिफिकल्ट। देयरफॉर वी फाइंड दैट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल हमारे पास मेटल्स नहीं बल्कि नॉन मेटल्स पाए जाते हैं। तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस ट्रेंड, यहाँ पर यही दो पॉइंट्स आपको लिखने हैं। दूसरी बात आती है, अब ग्रुप ग्रुप में भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो लेट अस लुक द टेबल फॉर द ग्रुप। ये देखो, ये तुम्हारा ग्रुप वन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ऑल ऑफ देम आर मेटल्स। ग्रुप वन की हम बात कर रहे हैं। ग्रुप वन में लिथियम की साइज सबसे छोटी है एंड सीजियम की साइज सबसे बड़ी है, ऑफ कोर्स फ्रांसियम की बड़ी है, बट वी विल नॉट टॉक अबाउट फ्रांसियम किड्स। व्हाई? बिकॉज़ फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी स्टडी बहुत डिटेल में हम कर ही नहीं पाते, सो वी विल रेस्ट्रिक्ट आवर स्टडी टिल सीजियम। गॉट द पॉइंट? नाउ यू नो लिथियम की एटम इज द स्मॉलेस्ट हियर एंड इसकी साइज सबसे छोटी है और सीजियम की साइज सबसे बड़ी है। तो क्या होगा, सीजियम से टू पुल आउट एन इलेक्ट्रॉन विल बी इजिएस्ट। सो सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल। और इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, क्या हो रहा है ग्रुप में, एज यू आर मूविंग डाउन मेटालिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग, मेटालिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग। सो मोस्ट मेटालिक एलिमेंट विल बी फाउंड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नीचे की तरफ हम जाएंगे तो सबसे ज्यादा मेटालिक एलिमेंट हमें मिलने वाला है। इसका रीजन, रीजन क्या लिखोगे, एटमिक योर मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन लार्जर एटमिक साइज एंड स्मॉल न्यूक्लियर। बट डाउन द ग्रुप व्हाट इज हैपनिंग,
both न्यूक्लियर पुल एंड एटमिक साइजेस आर इंक्रीजिंग, दोनों चीजें बढ़ रही हैं, तो फिर हाउ इज दैट मेटालिक कैरेक्टर इज मोर एट द बॉटम? इट इज बिकॉज द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज एटमिक साइज इज ग्रेटर देन इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज. तो साइज प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर हो जाती है, साइज हो जाती है बड़ी. जैसे ही साइज बड़ी हो जाती है, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं. लाइक इफ दिस इज योर एटम, द साइज बीइंग वेरी बिग, द इलेक्ट्रॉन ओवर हियर इजिली कम्स आउट इन रिलेशन टू एन एटम हुज साइज इज वेरी स्मॉल. इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आसानी से नहीं बाहर जा पाए. सो साइज इज अ मेजर फैक्टर दैट इज गोइंग टू डिसाइड वेदर, तो यू कैन वेदर माई एलिमेंट विल बी मेटालिक और नॉन मेटालिक. सो आई कैन से दैट दिस इज योर माई सीजियम एटम विच इज वेरी मेटालिक, दिस इज माई लिथियम एटम विच ऑल्दो इज मेटालिक बट इन रिलेशन टू सीजियम कम मेटालिक. ओके, इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन विच इज द लीस्ट मेटालिक एलिमेंट इन द फर्स्ट ग्रुप, योर आंसर विल बी लिथियम. लिथियम विच इज द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट इन द फर्स्ट इन द सेकेंड पीरियड, ये क्वेश्चन मैं पूछ लू. मोस्ट मेटालिक एलिमेंट इन द सेकेंड पीरियड. अब सेकेंड पीरियड मतलब लिथियम यहां से शुरू होने वाला है, तो सेकेंड पीरियड के मेंबर्स को याद करो क्या आता है. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, देन यू हैव गॉट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन. नाउ रिमेंबर, जैसे लिथियम, अब यहां पर हम बात, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा कि अगर भाई पीरियड है तुम्हारे पास सेकेंड पीरियड, तो उसमें सबसे मेटालिक कौन है, वहां पर आपका आंसर हो जाएगा लिथियम. लिथियम इज द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट इन द एंटायर पीरियड, बट अपने ग्रुप में वो लीस्ट मेटालिक. आई होप तुम लोग को बात समझ में आ रही होगी. अपने ग्रुप में दैट इज लीस्ट मेटालिक. ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू मेटालिक ट्रेंड. सम अप करो, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड एंड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. तो जब मैं अब आपको नॉन मेटालिक ट्रेंड की बात करूंगी, व्हाट विल आई डू, इसका जस्ट उल्टा बोलेंगे. नॉन मेटालिक ट्रेंड क्या हो गया, नॉन मेटल्स किधर मिल रहे हैं हमें, पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड पे. पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड पे ग्रुप 15, 16, 17, 18, यहां पर हमें नॉन मेटल्स मिलते हैं. तो नाउ लेट अस वेरी क्विकली प्लेक अ नॉन मेटालिक कैरेक्टर. मेटालिक कैरेक्टर आई होप तुम लोग को समझ में आ गया है, और हम इसी बेसिस पे बड़ी क्विकली हम लोग नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी देख लेते हैं. ओके, नॉन मेटालिक कैरेक्टर देखो. नॉन मेटल किसे बोलोगे, पहले तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज अ नॉन मेटल. सो नॉन मेटल इज एनी एलिमेंट विच हैज अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. एक नॉन मेटल वो है जिसको टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पाने की, इलेक्ट्रॉन लेने की. सो हियर द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज अ नॉन मेटल. ओके, सो हियर आई हैव गिवन यू द इक्वेशन ऑफ क्लोरीन एलिमेंट. क्लोरीन हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 287. It is gaining an electron to become Cl minus. In doing so, क्या हो रहा है, उसको noble gas configuration मिल रही है. It is becoming like a noble gas, so it wants to gain an electron. So it is going to behave as a non-metal. Non-metals have a tendency to attract electrons and gain electrons. So वो, and similarly हमारा oxygen देखो, oxygen's atomic number 8, electronic configuration है बेटा 2-6. अगर उसको दो और इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो वो बन जाएगा नियॉन की तरह. सो द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिमांड्स दैट ऑक्सीजन गेन टू इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन लेता है और वो O2- बन जाता है. यहाँ पर गलत तरीके से थोड़ा लिख गया है, तो आई विल जस्ट रेक्टिफाई इट. यू आर नॉट गोइंग टू राइट इट एज दिस वे, O2-. ओके, O2-. So O plus 2 electrons becomes O2-. In that sense, उसके पास noble gas configuration है. So oxygen, chlorine, nitrogen, all of these are non-metal. We also call non-metals as electronegative elements. What is the next term? We will call them as electronegative elements. If non-metals are going to gain electrons, so they will be acting as very good oxidizing agents. ऑक्सीडेशन इज वॉट, फर्स्ट पहले ये दिमाग में लाओ कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है. ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो इफ एनी सब्सटेंस, लेट एनी एलिमेंट एम, इफ इट इज चेंजिंग टू एम प्लस, इट इज गिविंग आउट एन इलेक्ट्रॉन.
ये है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये पूरा रिएक्शन क्या क्या बता रहा है कि मेटल एम का या एलिमेंट एम का, आई वॉन्ट यू से ओनली मेटल, एलिमेंट एम का हो गया है ऑक्सीडेशन। नाउ इफ आई वॉन्ट एलिमेंट एम टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, सपोज आई यूज अ नॉन मेटल, नॉन मेटल की क्या टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन चाहता है, वो किसी चीज से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है। तो इफ नॉन मेटल इज प्रेजेंट देन इट वुड बी इजियर फॉर दिस मेटल एम टू लूज इलेक्ट्रॉन। इन टर्न वी फाइंड दैट नॉन मेटल्स आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में मदद करते हैं, दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स लूज करने में हेल्प करते हैं, सो दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। नाउ डेफिनेशन हो गया, अगर डेफिनेशन आए किड्स, यू नीड नॉट, यू जस्ट डोंट नीड टू राइट द स्टेटमेंट। आपको ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी है उसमें से मिनिमम एक तो लिख के दो। स्टूडेंट्स राइट द साइंस आंसर्स लाइक दे आर राइटिंग अ हिस्ट्री आंसर और एन एसे। योर साइंस आंसर्स, साइंस में जब हम किसी चीज को अटेम्प्ट करते हैं या आंसर करने की कोशिश करते हैं, कोशिश करो कि अगर वहां पर पॉइंट्स में आंसर दिया जा सके, दैट इज द बेस्ट वे। नेक्स्ट थिंग इज इफ एन इक्वेशन इज देयर, इफ एनी फॉर्मूला इज देयर, वो वहां जरूर देनी है। किसी भी चीज को डिफाइन कर रहे हो उसकी यूनिट है, कोशिश करो लिख देने की, सो दैट इट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक। आपका आंसर टू द पॉइंट है, लेकिन उस टू द पॉइंट में ऑल पॉइंट्स आर कवर्ड। That is how you need to express your answers. Don't go into the pattern of writing paragraphs and paragraphs without actually giving out the real words required for the answer. This is a request from me because I have seen many students jo padhte to hain, lekin because they are not able to represent their answers properly, they don't get marks. Okay, hope you'll that keep that in mind. Dekho, jab aapse pucha raha hai, what is a non-metal? This is actually what is required. Yahi chahiye. Then, what are the factors affecting non-metallic character? अगर ये पूछे तो यहाँ देखो, पहले मैंने डायरेक्टली क्या लिख के दे दिया है, कैरेक्टर लिख दिया, तो पहले तुम भी कैरेक्टर को बोल्ड में लिखो या अंडरलाइन करो एंड देन उसको एक्सप्लेन करने जाओ वन या टू लाइन्स। व्हाट द पॉइंट किड्स, तो होप यू अंडरस्टैंड और कीप दैट इन माइंड। चलो नेक्स्ट हम फैक्टर्स अफेक्टिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर करते हैं। ये जस्ट रिवर्स होगा मेटेलिक कैरेक्टर के फैक्टर्स से। तो जितनी छोटी होगी साइज एटम की और जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियर चार्ज, द मोर विल बी द नॉन मेटालिक कैरेक्टर। सो कीप दैट इन माइंड। व्हाट इज द थिंग दैट यू विल राइट, स्मॉलर एटमिक साइज एंड ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज इज व्हाट इज प्रेजेंट फॉर अ नॉन मेटल। नॉन मेटल बनने के लिए एटमिक साइज छोटी होनी चाहिए एंड न्यूक्लियर चार्ज बड़ी होनी चाहिए। न्यूक्लियर चार्ज अगर हाई है, number of protons in the nucleus is high, that is atomic number is high, तो क्या होगा, outer shell पे force ज्यादा exert होगा। Again, outer shell को nucleus से बहुत दूर नहीं कर देना, तो size भी छोटी रखनी है। That is why the two factors, I have just written it directly, smaller atomic size, size छोटी होनी चाहिए और electronic charge, nuclear charge जो है वो भी बड़ी होनी चाहिए, so that outer shell के electrons को भागने का scope ना हो। हाँ, कोई electron आना चाहता है तो वो attract हो, लेकिन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स शुड नॉट एस्केप आउट। दैट इज व्हाट अ नॉन मेटालिक कैरेक्टर बेसिकली मींस। नाउ नॉन मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल, ओके आई विल कम हियर इन द आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। सो बिफोर दैट जस्ट क्विकली मूव ऑन टू अगेन द पीरियड एंड ग्रुप। हियर इज योर थर्ड पीरियड, ये देखो थर्ड पीरियड, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकन फॉस्फरस सल्फर एंड क्लोरिन। हम पढ़ रहे हैं अब क्या, we are trying to learn about the periodic trend of non-metallic character, non-metal. तो हम जानते हैं कि इधर आपके towards the left hand side of the periodic table आपके पास है non-metals, it is your group 15, group 16, group 17, group 15, 16, 17 यहाँ आपके non-metal है। तो यहाँ पर आप क्या जानते हो, as you move across the period size becomes smaller and nuclear charge increases. So definitely, what have I written? Across a period, nuclear pull increases and atomic size decreases. Both factors are favorable. So जब हम periodic table के end पे आ रहे हैं in a period, तब हम पाते हैं अपने non-metals. Okay, so
नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस अलोंग अ पीरियड। व्हाट अबाउट अ ग्रुप? ग्रुप में मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे बढ़ी थी, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे डिक्रीज करेगी। ओके, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज साइज वॉज गेटिंग बिगर। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर के क्या होगा? जैसे साइज बढ़ा रहे हो आप, ऊपर से नीचे आ रहे हो ग्रुप में, नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होती जाएगी। तो हियर आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ ग्रुप 14, कार्बन ग्रुप। हाँ, कार्बन ग्रुप के मेंबर्स देख, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड। टिन एंड लेड, ऑल ऑफ अस नो दैट दे आर मेटल्स। क्यों मैंने ये ग्रुप लिया है? क्योंकि इस ग्रुप में बहुत अच्छे से बाइफर्केशन समझ में आती है। कार्बन नॉन मेटल है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन और टिन और लेड मेटल्स हैं, ये भी हम जानते हैं। एंड ऑल ऑफ दीज बिलोंग टू द सेम ग्रुप। तो ग्रुप का वेरिएशन स्टडी करने के लिए इट्स ईजी। तो कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड को जब हम देखते हैं, तो एज वी आर मूविंग डाउन, देख के ही समझ में आ रहा है दैट आवर लेड एंड टिन विल बी मेटल्स। इट मीन्स दैट एज आई एम मूविंग डाउन द ग्रुप, सिंस साइज इज इंक्रीजिंग, नॉन मेटालिक कैरेक्टर विल डिक्रीज। ओके, सो उसी चीज को मैंने यहां लिख दिया है। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस एंड एटमिक साइज ऑल्सो इंक्रीजेस। हाउएवर, इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज एटमिक साइज इज ग्रेटर देन इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, द सेम थिंग एज वॉज देयर फॉर द मेटल्स। तो जब साइज बड़ी है, तो वॉट विल हैपन टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर? इट इज गोइंग टू डिक्रीज। ओके, एक मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड याद करते हो, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जस्ट उसका रिवर्स है। आई होप यू गेट द पॉइंट। ओके, नाउ यहां देखो, नाउ आई विल टेक यू बैक हियर, लुक एट द नॉन मेटालिक ट्रेंड। नाउ आई होप यू विल अंडरस्टैंड द ट्रेंड। यहां देखो, एज यू आर मूविंग अक्रॉस अ पीरियड, इंक्रीजिंग नॉन मेटालिक कैरेक्टर, देखो लिखा हुआ है यहां पर, इंक्रीजिंग नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तो वी गेट द नॉन मेटल्स हियर। एज यू गो डाउन द ग्रुप, तुम्हें मेटल ज्यादा मिलते हैं, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? एज यू आर गोइंग डाउन द ग्रुप, इट इज डिक्रीजिंग। एज यू आर गोइंग, ये एरो रिवर्स दिखाया हुआ है बच्चा, यहाँ पर आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। एरो का डायरेक्शन देखिए, पॉइंटेड अपवर्ड्स, सो एट द टॉप यू गेट द मो यू गेट नॉन मेटल्स, और जैसे जैसे तुम नीचे आते हो तुम्हें मेटल मिलता है। ओके, सो एक चीज को याद रखो, दूसरी चीज जस्ट उसकी रिवर्स है, ध्यान से करना है। ओके,